विधायक कुलवंत बाजीगर ने दुपेंद्र हुड्डा पार्क का किया उद्घाटन। मौके पर हल्का अध्यक्ष मंगोराम जिंदल ने चेयरमैन अमरदीप शर्मा मौजूद रहे। शहर के सभी पार्कों को किया गया सौंदर्य। विधायक ने कहा कि जहां पार्क का सौंदर्यकरण करने के लिए 1.4 करोड़ का टेंडर लगाया गया, इस पार्क में सभी बैठने वाले सुविधाएं और तुहरे आदि लगाई जाए। शहर के जितने भी पार्क हैं सभी को सुंदर बनाया जाए। विधायक ने शहर का निःशुल्क मोबाइल शौचालय झंडी दिखाया गया। देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए हुकम सिंह की रिपोर्ट। गुलाची हमारे गुलाचिका में पार्कों की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। इनके सौंदर्यकरण के लिए यहाँ और भी जो जरूरतें थी वो पूरी करने के लिए आज हमने शुरुआत की है, जिसका 1.4 करोड़ रुपए का टेंडर लगवाया है और वो टेंडर लगा के आज काम इनका शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से हम आज इस पार्क में खड़े हैं, माननीय रणबीर हुड्डा नाम के पार्क के नाम से पार्क है, और इस पार्क के बीच में जैसे गजैबो बनेंगी, एक झोपड़ी टाइप जो गजैबो जिसको बोलते हैं, और यहाँ कुर्सियाँ रखी जाएंगी ताकि लोगों को सैर करने के बाद बैठने के लिए भी आराम मिले, और यहाँ लाइटें भी लगेंगी, स्ट्रीट लाइटें, बड़ी लाइटें लगेंगी, और उसके अलावा फुहारे तक भी लगाए जाएंगे। जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो पार्कें हैं उस तरीके से नक्शा तैयार करके हमारे गुलाचिका में भी इन लोगों को भी वैसा आनंद मिले जिस तरीके से चंडीगढ़ में पार्कें महसूस करते हैं। जिस तरीके से खाटू श्याम पार्क है उसमें भी फुहारे लगेंगे, और भी ताऊ देवीलाल पार्क है वहाँ भी और कई सुविधाएँ हैं, जैसे वहाँ भी एक गजैबो बनेंगी, और वार्ड नंबर 15 में भी पार्कें हैं। तकरीबन जो पार्कें हैं उन पार्कों को बढ़िया ढंग से उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा और उसमें करोड़ों रुपए के काम होंगे। 1.4 करोड़ का तो टेंडर लग चुका है, इसके अलावा अगर और जरूरत बढ़ी और भी टेंडर बढ़ा के बढ़िया ढंग से काम करवाया जाएगा। विधायक सरपंच एसोसिएशन सरकार से खुश नहीं है, नालेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच अभी आपके सामने, वो सरपंच मिलने के लिए सामने इकट्ठे हुए हुए हैं, मैं अभी सरपंचों से बात करूंगा। सरपंच सारे खुश हैं। जितनी ग्रांट सरपंचों को भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने दी है, इतनी ग्रांट कभी भी कहीं भी आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं और सरपंचों के मुख से कहलवा भी सकता हूं, तो इसीलिए सरपंच खुश हैं। वैसे अगर कोई अलग मांग हो वो अधिकार है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके अंदर हर आदमी आवाज उठा सकता है। पिछली सरकारों के अंदर किसी सरपंच को या किसी भी संस्था को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। जब वो आवाज उठाते थे उनके साथ गलत पेश आते थे, तो यहाँ हर आदमी किसी के सामने भी, जैसे एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है, और ये माननीय मुख्यमंत्री कहता है हरियाणा सब मेरा अपना है, तो इसलिए कोई भी आवाज उठा सकता है, कोई बात बता सकता है। अगर कोई ये बात कहेंगे तो उसका हल करवाएंगे।